शिव अवतरित भूमि भारत और श्री लक्ष्मी नारायण ब्लॉक में आत्मा बहन भाइयों आपका स्वागत है। ये जो मेरे पीछे बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो एक ये बिल्डिंग का ऐसा हिस्सा लगा मेरे को कि इसका एक छोटा सा वीडियो, जैसे वो सामने मंदिर है ना द्वारका जी का, तो ऐसी ये भी एक प्राचीन चीज़ है जिसके साथ हमें ये जानना तो समझ में आया कि कीर्ति स्तंभ है। तो कीर्ति स्तंभ का मतलब होता है जैसे शहीदों से, यानी पॉजिटिव शक्ति, और ये हमारी पहचान भी है। और इसके पीछे है कौन सी नदी, पीछे गोमती, गोमती तट, गोमती घाट। ये गोमती घाट के नाम से पीछे बना हुआ है। और इधर ये सुदामा पुल भी बना हुआ है, जैसे लक्ष्मण झूला का बना हुआ है। तो ये जो जगह है ना, धार्मिक जगह है, ये जानी जाती है द्वारकाधीश के नाम से। तो द्वारकाधीश ने, अभी पता चला मेरे को एक भाई के द्वारा, कि द्वारकाधीश में जैसे राधे कृष्ण का जब बचपन था ना, तो स्वयंवर के बाद वो कौन थे, स्वयंवर के बाद उन्होंने बोला लक्ष्मी नारायण एगोल जोड़ा। तो जब उन्होंने लक्ष्मी नारायण एगोल जोड़ा बोला ना, तो उनको शादी से पहले ही लक्ष्मी नारायण कौन थे, उनको ये चीज़ की पता नहीं थी। उन्होंने ये तो मुझे बताया कि राधे कृष्ण का बचपन मथुरा के अंदर गुजरा था और इधर इनकी द्वारका में युवावस्था। तो ये बहुत महीन ज्ञान है, और महीन ज्ञान आपको परमात्मा के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पहले आपको आत्मा का परिचय होगा ना, तब आपको परमात्मा का पता चलेगा। और ये गीता ज्ञान, तो ये जो स्तंभ बना हुआ है ना कीर्ति स्तंभ, ये हर शहर के अंदर, हर चौराहे, ऐसे अपने अपने जिलों के अंदर होता है। तो ये भी पहचान है, सामने मंदिर है द्वारका जी का, पीछे गोमती तट और सुदामा झूला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप जहाँ कहीं भी रहते हो ना, तो किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ें, और आपको तनाव मुक्त जीवन की प्राप्ति होगी। जब तक आप भगवान का ध्यान लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको तनावों से और ये ग्रस्त, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी निगेटिव हैं, उनसे आपको निजात नहीं मिल सकता। तो परमात्मा की पहचान कीजिए, परमात्मा एक है ना कि अनेक है। ओम शांति, ओम शांति।